guess I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. So hey champs, I'm Rakesh and you're watching Coding Champs. So guys, ask video में ज्यादा कुछ नहीं है, but guys, most important thing है. Guys, आज के वीडियो में हम देने वाले फाइनल टेस्ट आपका एग्जाम के लिए. गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट मिनट पे, मतलब आपको बेसिकली कुछ टिप्स आप बोल सकते हो देने वालों जो आपके एग्जाम के टाइम में हैंडी हो सकते हैं. सो गाइज डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखना, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, एंड तक देख लेना. डेफिनेटली गाइज आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाला है. लाइक नहीं किया लाइक कर देना, शेयर नहीं किया शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना. ठीक है गाइज, चले शुरू करते हैं. तो गाइस सबसे पहले बताना चाहता हूँ कॉन्फिडेंटली एग्जाम देना, कॉन्फिडेंटली एग्जाम देना गाइस. आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जाने वाला है. इसलिए गाइस बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कॉन्फिडेंटली एग्जाम होगा, आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा ही अच्छा जाने वाला है. ओके एंड गाइस आई विश यू लक, डेफिनेटली गाइस आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आप सबका एग्जाम अच्छा जाने वाला है. इसलिए गाइस कॉन्फिडेंटली एग्जाम देके आना. ठीक है गाइस, बताना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं. सो गाइस द फर्स्ट टिप इज कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, जितना भी कम टाइम हो सारा क्वेश्चन का अटेंड करना. नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए गाइस कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, सारा क्वेश्चन को अटेंड करके आना. ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है सही है, अगर नहीं आता है देन भी गाइस गेस करना, बट गाइस करके आना. ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है. एंड गाइस बताना चाहता हूँ ऑटो सबमिट तो ऑब्वियसली, इसलिए गाइस लास्ट मोमेंट तक क्रॉस चेक थोड़ा कर लेना. एंड गाइस कोई भी क्वेश्चन को मैं जैसे बताया, अगर आपका 5 मिनट है आपके पास 10 क्वेश्चन है देन गाइस फिर भी ट्राई करते रहो. ठीक है, ट्राई करते रहो, ऑटोमेटिकली टाइम हो जाने के बाद आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा. ठीक है, देन गाइस बात करते हैं अगर आपको प्रोक्टर की तरफ से कुछ वार्निंग मिलता है देन गाइस ट्राई करना. मतलब अगर आपको वार्निंग मिलता है कि आई विल सस्पेंड यू, इस टाइप का कुछ वार्निंग मिलता है देन गाइस ट्राई करना थोड़ा जल्दी करने के लिए. ठीक है, थोड़ा जल्दी करके पेपर को सबमिट करने के लिए ट्राई करना. देन गाइस और एक चीज, अगर आपको प्रोक्टर की तरफ से वार्निंग मिलता है देन गाइस उनके साथ पोलैंड में थोड़ा बात करना, मतलब उनको एक रिप्लाई दे देना. ठीक है, मतलब अगर कुछ बोल रहे हो देन गाइस उनको पोलैंडली रिप्लाई दे देना, देन गाइस उसके बाद आप अपना एग्जाम कंटिन्यू करना. ठीक है, देन गाइस यहाँ पे और चीज बताना चाहता हूँ गाइस, कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है. ठीक है, एग्जाम दे रहे होते हैं एंड गाइस उसके बीच उनका टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, देन गाइस उनके लिए बोलना चाहता हूँ गाइस, अगर आपका टेक्निकल प्रॉब्लम आता है देन गाइस आपको सिंपली वेट करना है, थोड़ा वेट करना है. मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो 3-4 मिनट वेट करना, अगर 5 मिनट से ज्यादा हो गए, बट स्टिल आपका प्रॉब्लम है देन गाइस टेक्निकल सपोर्ट टीम को कॉल करना, उनको बोलना है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है. अगर वहां से भी कोई भी हेल्प नहीं मिलता है या फिर कॉल कनेक्ट नहीं होता देन गाइस सिंपली आप एग्जाम के विंडो को क्लोज कर लेना, सबमिट मत करना, क्लोज कर लेना, एग्जाम के विंडो को क्लोज कर लेना, देन गाइस फिर से आप एग्जाम में लॉग इन करना. ठीक है, अगर लॉग इन करने के बाद आपको मैसेज आएगा कि यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन और योर आईडी इज ऑलरेडी लॉग्ड इन, इस टाइप का मैसेज आएगा देन गाइस सिंपली जो डिवाइस में एग्जाम दे रहे हो उसको रिस्टार्ट कर लेना. ठीक है, जो डिवाइस में एग्जाम दे रहे हो उसको रिस्टार्ट कर लेना, देन गाइस उसके बाद लॉग इन करना आपका हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है देन गाइस ट्राई करना टेक्निकल सपोर्ट टीम से हेल्प मांगने के लिए. अगर हेल्प नहीं मिलता है देन गाइस खुद से ये सोल्यूशन अप्लाई कर लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, एंड गाइस डे वन के बाद मैं उसका रिव्यू भी डाल दूंगा कि कैसा, मतलब ओवरऑल एग्जाम कैसा गया है, कुछ कुछ अगर प्रॉब्लम होगा. हाँ, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है देन गाइस मेरे को बताना. ठीक है, मतलब टेलीग्राम हो गया, इंस्टा पे हो गया, कमेंट हो गया, जहां पे भी हो मेरे को बताना. अगर मतलब उसका सोल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ वहीं पे आपको बता दूंगा, अगर नहीं निकल सकता है देन गाइस मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा. ठीक है, मतलब कोई और जैसे सफर ना हो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा. ठीक है, सो गाइस यही था वीडियो में, मतलब बहुत ही अच्छे जाने वाला आप सबका एग्जाम. एक बात मत भूलना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत अगर आता है, मतलब एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा गया, मेरे साथ जरूर शेयर करना ताकि डे वन का रिव्यू का वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा एंड आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ जो हुआ है वो दूसरे साथ हुआ है या नहीं एंड ओवरऑल एग्जाम कैसा गया. ठीक है, सो गाइस लास्ट में सही बोलूंगा, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जाने वाला है. इसलिए गाइस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना, डेफिनेटली गाइस आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा ही अच्छा जाने वाला है. ठीक है, बात कर ले इसके बारे में, डेफिनेटली गाइस अच्छे से एग्जाम देके आना. ठीक है, चले चलते हैं हम आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद.